क्या है, कितना साइज है? साइज है जो थोड़ी है, यो जी सर पार्सल नहीं है, ये तो 40 सेंटीमीटर अलाउड होता है तो सर आप ले आओ। हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी के नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज दिन हमारा और आपका संडे का, बट निकलना पड़ेगा दोस्तों अगला दिन, इस महीने दिवाली है और अगर हमने काम नहीं किया तो हमने खाया क्या यारो। तो वही है, और सुबह से लॉगिंग करते करते अब करीब ये टाइम क्या हो गया, एक मिनट में होता हूँ, 1:14 हो गया, मतलब कि 1:15 हो चुका है। और कस्टमर तो अरे यार कल की तरह सीन ना होता है भाई, कस्टमर तो जाना पहचाना ही है, मगर इसका कभी ओवर साइज भी होता है, कभी छोटा होता है। फोन पे तो पूछ लिया भाई, देखो बड़ा साइज तो नहीं है ना, पहले बता रहा हूँ, कह रहा नहीं छोटा ही साइज है, देखते हैं पहुँचते हैं क्या है, छोटा है बड़ा है, अब जो भी है देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कस्टमर मुंह से बोलता कुछ और है और निकलता कुछ और है। और पता कहाँ के लिए, अपना है मॉडल टाउन फेस टू, मॉडल टाउन फेस टू के लिए पार्सल है भाई। और ये इसका ज्यादातर एसी के पैनल नहीं होते, खिड़की वगैरह जो जाले टाइप में वो होता है भाई, 260 का अमाउंट है ना। और ये पनौती वाला मकान है इसका, जिससे लीड करवाती है। क्या पार्सल है भाई, आ गए हम कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे। अरे यार भाई, हाँ जी क्या सामान है, है कोई कहाँ भर गए? अच्छा बाथरूम भी जाते हैं। ये देखो भाइयों, मॉडल टाउन फेस टू पॉकेट ई, फेस टू मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, कस्टमर करने वाला का नाम क्या है, मौसम कुमारी, लड़की है कोई, पार्टी का नाम 260 का अमाउंट यार, 1:16 हो चुके, देखते हैं आज क्या होता है संडे के दिन। फिट का भी सब्सक्रिप्शन का भी कोई फायदा नहीं यार, 3-3 किलोमीटर का पिकअप दे रहा है रैपिडो में, क्या फायदा, सुबह से ऑन करते करते मैं तो पागल हूँ। अब देखो क्या है पार्सल, ठीक है बता ना, एसी के पैनल बनते हैं, देख रहे हो पूरा पूरा एसी का पैनल, ओवर साइज सब कुछ है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और क्या होगा। हमेशा ना क्या है, तुम बोले छोटा सा सामान है, इसको कैसे लेके जाऊं मैं, ओवर साइज, पैसा कौन देगा, कस्टमर देगा, कस्टमर से पेमेंट की बात करूंगा, कस्टमर केयर से नहीं बात करूंगा, कस्टमर से बात करूंगा। तो दोस्तों बात हो गई पेमेंट की, और हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किलोमीटर कितना है भाई, 21 किलोमीटर दिखा रहा है, अच्छा अंदर से दिखा रहा है, जैसे 20 है इधर भी जाएंगे 21 पड़ेगा, अब कितने दूर से होते जाएंगे तो अरे हटना है यहाँ से, कितम पूरा तो लेते हैं तो 21 ही पड़ेगा, और ये खाली पड़ता रहा, ये ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी तो पहुँचेंगे, 20 किलोमीटर है, बात कर ली मैंने कस्टमर से, ऐसे बांध लिया है ना फर्स्ट, ठीक है और इसकी अब बैठ जाते हैं, बैठ करते हैं, मिसाइल बना दिया भाई आज तो बाइक को, पूरा टॉप का गोला सामने मत आना भाई, शूट हो गए है ना, सबसे बेस्ट शूटिंग मिसाइल 21 किलोमीटर भाई, मैंने बोल दिया ऐसे, अब देखो 400 रुपए लूंगा सीधी सी बात है। A few moments later,
आप? ये बर्गर किंग के पास खड़ा हूँ। बर्गर किंग के पास किधर आप हैं? कब हो जाएगी? अच्छा आप उनके सामने ही हो क्या? करता है करता को भी करता। देखो ये बर्गर सिंह के पास मैं आया हूँ। क्या लिखा? इधर कास्टा कॉफी लिखा हुआ है और इसका सामने फ्रंट साइड में स्कैन फोल्डिंग लगी हुई है। ये 24/7 के पास या फिर इससे पहले डोमिनोज या इससे आगे? यहाँ खड़े उनको। हाँ तो ये लो, ये ले लो, साइड लगा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे को तो जो मिला मैं ले आया कस्टमर से। ओवरसाइज था इसलिए ओवरसाइज की बात भी कर ली। पेमेंट कौन करेगा? कोई और करेगा? क्या आप करोगे? वो करेगा ना, अभी जो मुझे मिला मैं ले आया। अब क्या दिया नहीं दिया? दो सामान है, तुम देख लो जो दो सामान है। क्या डंपर? मुझे नहीं पता भाई, इस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। हम तो पोर्टर वाले कंपनी वाले हैं। आपने क्या ऑर्डर किया मैं ले आया। अब क्या है नहीं है हमें तो इस चीज की नॉलेज भी नहीं। क्या बोलते नहीं बोलते, जो होगा पैक होगा, जो भी होगा कार्ड को देख लो। नंबर बता दे रहा हूँ साहब, नंबर मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ जिसपे करना पेमेंट। ठीक है, हाँ टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ। मैच में बहुत मार रहा है रोहित शर्मा शुभमन गिल। किसका किसका है? साउथ अफ्रीका इंडिया। क्या अभी कौन चल रहा है? इंडिया का। अच्छा इंडिया कितना हो गया? 44 रन 44। तीन ओवर कितना हुआ? तीन ओवर हुआ, तीन ओवर तीन गेंदे। ईडन गार्डन में मैच हो रहा है कलकत्ता। मतलब मैच के बहुत बड़े फैन हो हैं? सही है। मैं तो यार काम ही भूल गया था, मैं क्या करूं। आपका ये कैमरा है? हाँ कैमरा है, ऑनलाइन चलता है। हाँ ओके पेमेंट ले जाओ। पोर्टर वाला देखता है आपका? हाँ नहीं पोर्टर वाला ये मेरा ही है, कोई कंपनी नहीं है। सेफ्टी जैसे अब तुम पार्सल लेके जा रहे हो तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ये देखो सब चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओके पेमेंट ले जाओ। हाँ पेमेंट आ गया। हाँ ले जाओ ले जाओ। पेमेंट भी आ गई है और 208 मैंने बोला था ना उनको मिलेगा 208 रुपए। क्या हो गया? बोला था कि 52 रुपए कमीशन काटेगा, 208 मिला है। 4 घंटे मतलब कितने टाइम से मैं लॉग इन में देखो, अभी फिलहाल हो गया अपना 208 मिले हैं। अब देखते हैं हमारा अगला पार्सल या राइड कब होता है। और अभी टाइम हो गया हमारा 2:22। ठीक है और कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। A few moments later। तो दोस्तों थोड़ा ही वेट करने पे मुझे एक रैपिडो में राइड मिली है, शालीमार बाग। ठीक है और 800 मीटर की दूरी है और करीब दिखा रहा है ये तो बुकिंग असली है या नकली है या फ्रॉड है। इसके पास ही खत्म हो गया, आगे है पूरा कॉल जो है किसी ने बुकिंग कीजिएगा। आप लोकेशन कस्टमर कौन कौन सा है बुकिंग जिसने की है? ये साले चो कहाँ गए? ये ना ये साला चोर है, सर्कल से पता चलता है। कहाँ गए भाई? बुकिंग कर दी यार, कैसे कैसे लोग यार, बताओ कैंसिल। आगे बैठ, देखा भाई है तुमने? वो तो दो देखे थे समय की से, साला जेब कट रहे थे वो बस में चढ़ते हैं। चल कैप्चर तो हो गया, बाकी मैं यहाँ आजादपुर में बैठा हुआ था और 1 बजे इंडिया गेट के लिए पार्सल ट्विटर में 200 कुछ रुपए का अमाउंट है। किलोमीटर तो 3 किलोमीटर दिखा रहे। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, धन्यवाद तो भाई का यार, मेरा कुछ ना कुछ लटकता रहता है यार। हाँ तो कहाँ था मैं? तो
3 किलोमीटर दिखाया था, हमने भी शॉर्टकट मार दिया। बट अब देखते हैं, आजकल तो बोला भाई बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स बता रहा। छोटा सा बॉक्स तो आपने देखा इस बोला ही होगा, ये पहला कस्टमर भी बोल ही रहा था कि छोटा सा पार्सल है भाई। अब इंडिया गेट है, यहाँ से इंडिया गेट है, 200 का है भाई। ये लोकेशन, लोकेशन कहाँ था और बंदे कहाँ थे, ठीक है तो अभी कोई नहीं, देखते हैं पार्सल क्या है। और उसके बाद एक उबर का भी पकड़ा है हमने, ठीक है साकेत के लिए, तो इंडिया गेट के पास ही पड़ेगा साकेत भी, ठीक है और उधरी से पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि ले लूँ उसको, क्योंकि देखो इंडिया गेट यही पड़ेगा, साकेत यही पड़ेगा, रोहित वही पड़ेगा, तो अगर भगवान साथ दे तो काम हो जाए भाई। यार देखते हैं वैसे फिलहाल बस ये भाई जल्दी। अरे भाई कितना साइज है, वेट कितना है इसका? ये तो ओवर साइज है यार, ओवर साइज है ये, 40 सेंटीमीटर थोड़ी है ये। हाँ पोर्टर से ही आया हूँ, ले तो जाते हैं, फिर इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जिसमें बुकिंग उससे बात करता हूँ फिर। हाँ ठीक है, मैं पार्टी से बात कर लेता हूँ। यार ये बहुत ओवर साइज होगा, हमारा पता है साइज कितना होगा, हमारा जोमेटो का बैग देखा है वैसा होता है 40 सेंटीमीटर, ओवर साइज हो गया, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, ओवर लग गया। अरे ले तो जाते थे, साइज नहीं पता होगा उनको, मैंने उनसे पूछा था साइज बड़ा तो नहीं है, कह रहा छोटा सा है भाई। देखो हमें भी तो देखना पड़ेगा ना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बात तो करने दो मुझे, बात तो करने दी। अरे यार कभी मिस कॉल हमारे कभी, अरे ले तो लिया भाई साहब, अगर ये तो पार्सल आपका ओवर साइज है। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, इसका फिर 150 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, फिर आप 150 रुपया टोटल 350, ठीक है सर कहते हो तो फिर ठीक है, ठीक है। हाँ हो गई बात, अब किसका कॉल आ गया, ठीक है सर लेके आता हूँ, काट दो सर। मैम उबर किया था आपने? हाँ कहाँ पर हुआ भैया? मैम बस 5 मिनट दिखा रहा मेरे को यहाँ से आपके, वैसे क्या पार्सल जाना है वैसे? क्या सामान क्या जाना मैडम? वो है गिफ्ट है, केक है। केक है मैम? केक है तो मेरे पास तो बैग नहीं है फिर। मैडम केक का मामला थोड़ा गड़बड़ा होता है ना बाई चांस, क्योंकि गड्ढे बड्ढे होते हैं। ठीक है मैडम आता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक और पार्सल था ही ना, कोई बात नहीं आता हूँ फिर आप कह रहे हो। ठीक कितनी देर में आ रहे हो? बस 5 मिनट दिखा रहा। ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना केक? ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना केक आपका? नहीं 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 ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी एक पार्सल है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है आता हूँ आपके। लो भाई इस कस्टमर से भी बात हो गई है, और इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। 350 बोला भाई ने, चलो ठीक है भाई 350 बोला तो कोई दिक्कत। देखो भाई पहले ही मैडम को बोल दिया भाई मेरे पास, मैडम पहले के पास हो, केक ले नहीं जा सकता मैं। देखो मैडम जबरदस्ती कभी तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है ना। अरे एंट्री करा नहीं कुछ सामान लेने जाना पार्सल? जाऊं इसी गली में दिखा रहा हूँ, नंबर में बता देता हूँ, 515। काम करूंगा देखता हूँ मैडम का चाहे फोन कर। हाँ जी भैया ले आ गया मैं आपके लोकेशन पे। वो नीचे गार्ड होगा देखो ब्रिजेंद्र। ब्रिजेंद्र सी 515 ही है ना आपका? नहीं सी 514 है। 14 है अच्छा, हाँ हाँ है मिल गए, एक भारी खड़े। अच्छा केक ले, केक दे दो। हेलो हाँ जी मैम ठीक है ले लिया भैया इससे? हाँ दे रहे हैं केक, वो तो पेमेंट वही करेंगे आप करेंगे? अच्छा यही पेमेंट देंगे? हाँ हाँ सी देंगे ठीक है मैम। ओके थैंक यू। 400 हाँ जी, हाँ जी हेलो एक क्लिप दे
देंगे, वो नंबर उस पे लिखा हुआ है, वहाँ पहुँच के उसको फोन कर देना, ठीक है? अच्छा, वो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने उसपे लैंडलाइन नंबर है या कंपनी द्वारा या फिर आपने मोबाइल नंबर टेस्ट किया? मोबाइल नंबर। अच्छा ये देंगे ना, ठीक है, 400 रुपये लेना, ठीक है, ठीक है, ओके। इस पर नहीं दिखाता, एंडिंग पे दिखाता, मैडम ने बोल दिया ले देते यार, मेरे पास भी नहीं यार, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो, बढ़िया रहेगा मेरे लिए। मेरे पास क्या चाहिए? भेज रहा हूँ, बारकोड भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक, कितने किलोमीटर दिखा रहा है? कौन सा ये? अरे मैं तो बोल दिया था मैडम, जो मैडम देखो मेरे पास पार्सल है, केक नहीं लेके जाऊंगा, केक में बड़ा लफड़ा होता है यार, मगर मैडम बोली ले जाओ भैया प्लीज प्लीज, कुछ और है मजबूत ठेला है तो दे दो यार। वैसे तो यार ये है, वैसे बहन का लेंडर आ रहा है, खसक गया ये तो। अरे कोई नहीं, ये बस ये तो इंडिया गेट छोड़ के फिर मैडम के पास। ये क्या, ये अलग से क्या इसका? इसको बैग में डाल लेता ना, फिर वजन कम हो जाएगा इसका। अब कम हो जाएगा वजन, अब नहीं गिरेगा। तो दोस्तों ये है हमारा प्रगति मैदान चैनल, ठीक है? अब यहाँ से अब दो हजार आएगा हमारा, देखो कितना लंबा होगा। नंबर एक पे ही खत्म होगा क्या? हाँ अंदर ही बता। हाँ जी सर, ये आ गया आपके लोकेशन पर, गेट नंबर। अरे नंबर नहीं लग रहा ना, उनका नंबर ही नहीं लग रहा। ठीक है देखता हूँ, एक बार आप भी एक इन्फॉर्मेशन दे दो ना। हाँ गेट नंबर एक पे ही खड़ा हूँ मैं, सबको व्हाट्सएप ही कॉल करता हूँ क्या? यहाँ से है भाई, यहाँ से है अपना 11 किलोमीटर दिखा रहा है यार, कोई इंतजार नहीं करता ना। खुद आ गया टू कलर 97-11-51। हेलो, नहीं सर वो तो व्हाट्सएप कॉल भी नहीं उठा रहे। बोल दीजिए, मैं गेट नंबर एक पे खड़ा हूँ सर। यार ये पागलपंती लगता है ना मुझे, टाइम बर्बादी होगी, बताओ यार टाइम बर्बाद करेगा। अगला बंदा आ जाए फटाफट से, ले आओ पेमेंट, दे आओ हम चले, दूसरा पार्सल भी डन करे। अब देखो यहाँ से तो वो कितना टाइम दिखाएगा, 4:30 दिखाएगा तो दे, ये तो बात बनेगी ना। सीधा अपना इंडिया गेट के लिए साकेत के लिए निकल जाएंगे, फिर वहां से सीधा घर घर उठ ले लेंगे आईडी पे। अरे आए तो सही दोस्तों, आ गए पेमेंट भाई, घर पे तो डर लग रहा है। एक नंबर से घुमाया, फिर 3 नंबर से घुमा के फटाफट आया, जल्दी से फटाफट डालो भाई डालो। अरे भाई ऐसा कर रहा है तो पता नहीं बंदा वही है कि दूसरा बनेगा, तो एक बन लगा भाई, मैं तेरे को बंदा आ गया, मैंने उसको पार्सल दे दिया। कोई नहीं, उन्होंने फोन कर दिया कि बेटा ले देख पेमेंट आ गई होगी। अरे यार 500, अगर ये होते तो कहते ले बेटा 500 रख ले तो और मजे आ जाते कसम, अगर बोलते तो ले बेटा 500 रख ले, मगर नहीं खुले कहाँ से लाऊं यार मैं, खुले मेरे पास होगी पक्षियों के दिन है। दोस्तों बस 2 मिनट की दूरी है और सामने घोड़ा है जरूरी, देखो घोड़े की चाल, वाह रे वाह, मार दे कमाल। हमारा दूसरा पार्सल भी डन होने जा रहा है, डन क्या होने जा रहा है, अभी तो फिलहाल ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, 450 मीटर की दूरी रह गई है। फोन ही ना उठा रहा यार बंदा। Y3 राइडिंग ब्लॉक। हेलो भाई, आपका पार्सल लेके आया था, उबर से बोल रहा हूँ, आपका पार्सल लेके आया हुआ था सर, केक है कोई, केक केक।
यहाँ पे हो गया, ये एमजीएफ मॉल के पास खड़ा हूँ, यहाँ ऑटो लगते हैं। कोई एक मिनट मैं बताता हूँ, रुचि, ये एमजीएफ मॉल के पास ये जो ब्रिज है ना पद यात्रा वाला, हम वहीं पे, ये साकेत वाला आपका, हाँ ये जो ऑटो लगे हुए हैं साथ पार्किंग में, वहीं पे खड़ा हूँ मैं, क्योंकि यहीं तक का लोकेशन, आ जाइए। बड़ा टाइम लगा रहा यार। हाँ कैमरा, नहीं कैमरा ही है रिकॉर्डिंग करने के लिए। हेलो, हाँ जी सर, चलो ठीक है सर, मैं देखता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ, आपको कोई दूसरा मिल जाएगा, अभी आया नहीं वो बंदा, तो क्या करूँ, कर दिया मैंने। हाँ ये कैमरा है रिकॉर्डिंग करने के लिए, किसी को पार्सल दो या कोई बात में झूठ बोल दे कि मुझे पार्सल नहीं मिला, प्रूफ के लिए होना चाहिए ना कुछ भी। मैम ये आपने जो नंबर दिया, मैंने उनको फोन तो कर लिया, उनको बता भी दिया मैंने, मगर अभी तक आए नहीं, फोन कर रहा हूँ दोबारा तो उठा नहीं रहे। मैं दो तीन बारी कर लिया ना मैडम, और मुझे कम से कम यहाँ पे कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं वेटिंग करते करते। हाँ वो ये जो आपने जो लोकेशन दे रखा है ना मॉल का, उस मॉल के सामने जो बिग स्क्रीन लिखी हुई है ना, जो जिसमें स्क्रीन आता है, वो उसी के सामने खड़ा हूँ मैं वहाँ पे, एक बार बता देना जो पार्किंग के लिए जाता है। क्या बर्बाद करते हैं ये लोग, अच्छी भली राइड भी मिस हो गई, क्यों ऐसे लफड़े लगवा रहे मेरे को। अरे भाई बोल तो दे दिया, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल दूंगा ना, कंफर्म ना मैं सर, फिर बाद में लग रहे कंफर्म है ना, फिर मुझे लफड़ा लग जाए, क्योंकि इसमें कुछ और भी पार्सल है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कोई पैकेट से है कुछ, ये तो फंडा है ना, अगर केक हो तो बात अलग है, और देखो मैडम का भी फोन आ रहा, हाँ कोई पार्सल से है ना इसमें कुछ, इस वजह से। हाँ मैरोली की तरफ मुझे लोकेशन भेजो, फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा फिर उसका, ठीक है भेजो लोकेशन, भेजो केक लेके, लोकेशन भेज दिया, करंट लोकेशन भेजिए सर। हेलो भाई जी, करंट लोकेशन भेजना है तो लाइव भेजा आपने, आपने जो लोकेशन दिया मुझे लाइव लोकेशन दिया, करंट लोकेशन चाहिए। वहाँ वो बोल रहे हैं कि अब जब आ जाएंगे ना तो मेरे को पार्सल दे देना, मेरी बात करवा देना, यू बोल रही, बताओ मैडम, तो इतनी देर में तो बोलेंगे नहीं, आए नहीं अभी तक, तो मेरे लिए यहाँ थोड़ी है, ठीक है आप लोकेशन भेजो मेरे को। चलो भाई पहुंच चुके हैं, कस्टमर को फोन करते हैं, लोकेशन तो है, अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ये आ गया लोकेशन पे आपके, लोकेशन पे आ गया आपके, लोकेशन पे आ गया, मैं बोल रहा हूँ लोकेशन पे आ गया तो फोन कट गया, मैं कह रहा लोकेशन पे आ गया आपके, भाई ये क्या लफड़ा है यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कलेक्शन कर लेते हैं,
चलो भाई केक दे दिया, 412 रुपए ऊपर कंपनी ने दिया है मुझे। अब यहाँ से घर का रेस्टोरेंट देखते हैं। दोस्तों मैं तो बसंतपुर से निकला क्योंकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे देख करके मुझे तो कुछ मिला नहीं। वहां तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, तो 1 बज गई द्वारका सेक्टर 3 के लिए, ठीक है, उबर में पार्सल। अब कस्टमर ने बोला कि भाई सूटकेस जाना है। मैं तो सूटकेस जाना है तो कोई बात नहीं सर, ले जाएंगे, मना नहीं कर रहे, मगर यही है कि ओवर साइज तो नहीं है। चलो भैया 75 सेंटीमीटर है, तो हमने बोल दिया सर 40 सेंटीमीटर का अलाउड होता है, ठीक है, जो भी होगा अमाउंट से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए पहले शूट कर देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है, होता है तो अपडेट। अमाउंट कितना शो करता था फिर एक्स्ट्रा गया। दो सौ एक्स्ट्रा लगा फिर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपका जो पार्सल है ये तो 40 सेंटीमीटर का अलाउड होता है, ये तो बहुत ज्यादा ओवर साइज है। 65 है मेरे भाई। सर हमें 40 सेंटीमीटर अलाउड होता है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। 200 यार तो ज्यादा मांग रहे, इतना तो जितने सब 170 इसमें दे रहे हो, 200 उसमें, इतना तो मेरा गाड़ी में तेल लग जाएगा, इससे भी कम लगेगा आने जाने। तो सर आप ले आओ, बढ़िया रहेगा ये तो। फिर आप कैंसिल कर देते हैं? ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। बस यहाँ की थोड़ी मेहनत लग गई। तो दोस्तों यहाँ से बड़ी रात की हस्ताल के लिए मुझे एक मिल गया है राइट द्वारका से। अब देखते हैं कि हमें कितना होता है? 0662 हाँ ओके, 7.6 किलोमीटर 26 मिनट। चलो भाई 28 किलोमीटर दूर से अच्छा तो सर ना जाएंगे, बात कर रहे हैं 28 से 7 माइनस करेंगे तो अपना बन जाएगा, ठीक है बढ़िया है तो मिला। कैसे नहीं खुले नहीं आपके पास? ऑनलाइन कर दो, 77 है ऑनलाइन। नहीं मेरे पास नहीं होता, मेरे पास मोस्टली है ना ज्यादातर ऑनलाइन ही ट्रांसफर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कैश करते हैं, और कैश करते हुए तो मैं ऑनलाइन करवा लेता हूँ। जरा नहीं थोड़ा पेट्रोल दिला रहे हैं, सुबह क्या होगा अभी तो पेट्रोल दिलवा लेते हैं। डालना जी 199 का आगे तो पावर मत डालो, वो तो अच्छा हुआ देख लिया। हैप्पी दिवाली। हाँ 199 का कर देना, 199। क्या कर रहे हैं? दोस्तों मैं आज आपको संडे स्पेशल की अर्निंग बताना चाहूंगा कि कितने घंटे काम किए मैंने, कितनी राइड की, कितने पार्सल डिलीवरी किए, और टोटल कितनी मेरी इनकम हुई पेट्रोल निकाल के। तो टोटली जो इनकम हुई है मेरी वो है 1232 रुपए, ठीक है, और जो पार्सल डिलीवरी किए हैं वो मात्र 3 किए हैं। आपका
दो पोर्टर में और एक उबर में, ठीक है, जिसका अमाउंट बना था 412 400 कुछ रुपए और मैंने कस्टमर से 600 रुपए लिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो पोर्टर की इनकम थी वो मेरी थी अराउंड, आपका ये मैं दिखाना चाहूँगा, 380 प्लस इनमें सबसे मैंने एक्स्ट्रा लिए थे, जिसमें एक में एक्स्ट्रा लिए थे 140 रुपए और एक में लिए थे मैंने पूरे जो 200 का अमाउंट था 400 रुपए लिए थे, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे, ठीक है। तो टोटली जो अमाउंट बन जाता था मेरा 1232 रुपए। और बात करें कि मेरी बाइक कितनी चली है, तो करीब पेट्रोल जो लगा है मेरा 180 रुपए का पेट्रोल मान लीजिए करीब, ज़्यादा नहीं चली बाइक, ज़्यादा नहीं चली तो मज़ा आ गया, ज़्यादा नहीं चली और इनकम अच्छी हो गई, तो संडे स्पेशल बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, और अच्छा भी रहा। तो पेट्रोल निकाल के जो मेरा अमाउंट बढ़ता है बचता है वो बचता है 1129 रुपये। और बात करें कितने घंटे मैंने काम किए, तो ऑलमोस्ट मैं 1 बजे करीब यहाँ से निकल गया था संडे के दिन, लॉगिंग तो बहुत टाइम से था बट एक पार्सल जो मिली थी वो 11 बजे करीब मिली थी, ठीक है। उसके बाद से 7 बजे करीब 8 बजे करीब मैं घर पे आ गया हूँ, वही छतरपुर से जो कस्टमर को मैंने पार्सल डिलीवरी कर दिया था केक, उसके बाद से कोई राइड नहीं बची, कोई बजरी तो उल्टी बजरी थी। फिर एक द्वारका आते आते मुझे मिल गया और अपने हस्पताल के लिए उसका 77 रुपये मिला, तो ये सब कार्ड मिला के मेरा 1225 होता है और पेट्रोल निकाल के 180 होता है। और जो 7 घंटे काम किए मैंने, 7 घंटे में मुझे मिला 1129 रुपये, तो अच्छा रहा दिन। ऐसा दिन हर दिन जाए तो मज़ा आ जाए, बट कहते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।